हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर्स में लास्ट पार्ट जो है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज लॉजिक गेट्स, इसको कंप्लीट कर। ठीक है, तो ये है लॉजिक गेट्स की हमारी डेफिनेशन, समझ लो। और इसको थोड़ा छोटा करके, अब ये हमारे पास में है टोटल 5 बेसिक गेट्स, जिसमें से अगर ये दो देखेंगे आप तो इनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल गेट्स होते हैं तीन। ठीक है, ये तीन फंडामेंटल गेट्स है, और ये वाला जो है ये नैंड गेट और नॉर गेट, इनको यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। ठीक है, और हमारे पास में कुछ इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं हम बूलियन अलजेब्रा इक्वेशंस। ठीक है, ये वाली बूलियन, ठीक है, ये वाला बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन होती है हमारे पास में, ट्रूथ टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, हर टेबल हर गेट के लिए वो बना कर देखते हैं। अब सारे टेक्स्ट को मैं इलेक्ट्रॉनिक में करने वाला हूँ, सिर्फ मैं लिखते जाऊँगा, देखते जाओ, थोड़ा थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता हो बस। देखो, अब पहला गेट ले लेते हैं समझो, और उसका लॉजिक बनाते हैं और उसको समझते हैं क्या होता है। तो नंबर वन नॉट गेट। नॉट गेट का मीनिंग ये होता है कि इसका डेफिनेशन तो इस तरह से लिखा जाता है, द आउटपुट इज हाई इफ इनपुट इज लो एंड वाइस वर्सा। दोबारा से, पहला गेट है अपना नॉट गेट। ठीक, नॉट गेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इन्वर्जन गेट। इन्वर्जन होता है इसका नाम, इन्वर्जन गेट, इन्वर्जन और निगेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका नाम होता है इन्वर्जन और निगेशन। इन्वर्जन और निगेशन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट जो होगा, आउटपुट इज हाई व्हेन इनपुट इज लो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं ये गेट के अंदर में, तो नंबर ऑफ इनपुट दो होते हैं। मतलब एक स्विच कितना होता है, पर वो लिख देता हूँ मैं सिर्फ, नंबर ऑफ स्विच। तो इसमें एक ही स्विच यूज होता है, इज इक्वल टू वन, एक ही स्विच यूज होता है। तो आप क्या ले लोगे, यहाँ पर समझ लो, इसका नाम रख दो, इनपुट का नाम रख दो ए और आउटपुट का नाम रख दो वाई। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। चलो, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, देखो जरा, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में आएगा आपका इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये दो ही चीज़ें आती है इसके अंदर में, इनपुट और आउटपुट आएंगे। वैल्यूज लिखते हैं, अगर ए होता है जीरो तो आउटपुट होता है वन, और अगर ए होता है वन तो आउटपुट होता है जीरो। बस इसी को बोला जाता है ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, इन्वर्जन करता है। ये नॉट गेट जो होता है ना, ये इन्वर्जन कर देता है। मैं इसका आपको टेक्निकल सिंबल भी बताऊंगा बाद में, लेकिन ये वाला पॉइंट आपने यहाँ तक समझना है। ठीक है, इसको लिख लिया आपने समझो, तो ये हो गया आपका नॉट गेट। ये है पहला गेट आपका नॉट गेट। इसकी जो इक्वेशन होती है बूलियन इक्वेशन, इसकी कैसे लिखते हैं हम, देखो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन। इसकी इक्वेशन को लिखा जाएगा y इज इक्वल्स टू ए बार। ए बार का मतलब होता है नेगेशन, ए का जो भी वैल्यू होगा, बार मतलब उसका इन्वर्जन कर देना। ठीक है, तो इन्वर्ट कर देना उसको, इन्वर्ट ये होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दूसरे गेट का नाम है हमारे पास में एंड गेट। ठीक है, अब ये एंड गेट का मीनिंग क्या होता है, एंड गेट का मीनिंग होता है द आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब बोथ इनपुट आर हाई होंगे तभी इसके अंदर आपको जो है तो आउटपुट हाई देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ स्विच कितने हैं, देखो नंबर ऑफ स्विच इज इक्वल टू टू, यानी कितने हो गए, चार इनपुट है ना, चार इनपुट हो गया और एक आउटपुट हो गया। सिंबल कैसा होगा उसका, ये होगा इसका सिंबल। ठीक है, ये होता है हमारा वाई, ये होता है इनपुट ए, ये होता है इनपुट बी। ओके, समझ रहे हैं बात को। तो अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे और इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसकी इक्वेशन यहां लिख देता हूं, इक्वेशन होगी इसकी y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, कैसे, डॉट किया, एंड बना रहे हो आप इसको, ठीक है, एंड बना रहे हो, हाँ ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो जरा, ए डॉट बी किया मतलब मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, देखो ट्रूथ टेबल में आएगा आपके इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट वाई। देखो जरा, चलो पुट करते हैं वैल्यूज़। जब ए की वैल्यू ज़ीरो होती है और बी की वैल्यू ज़ीरो होती है तब आउटपुट ज़ीरो होता है। जब ए की वैल्यू ज़ीरो रहती है, ठीक है, और बी की वैल्यू वन हो जाती है, तब आपका जो आउटपुट है वो ज़ीरो ही रहता है। जब ए की वैल्यू, सॉरी
जब ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 0 होगी तब भी आउटपुट 0 होता है, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी ए की और बी की वैल्यू भी 1-1 होगी, दोनों भी 1-1 होते ही हमारा आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। ठीक है, समझ रहे हो कौन से गेट के लिए है ये एंड गेट का टेबल है। तो एंड गेट का टेबल इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे कि आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। देखो दोनों इनपुट जब ऑन हुए तभी आउटपुट आपका ऑन हुआ है, नहीं तो ये वाला नहीं चलता है, ये वाला गेट आपका बंद रहता है, ये आउटपुट ही नहीं देता। ठीक है, दिस इज एंड गेट। देखो नेक्स्ट गेट है और गेट। और गेट मतलब क्या होता है, द आउटपुट इज हाई इवन इफ एनी वन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एनी वन इनपुट इज हाई। ठीक है, एनी वन इनपुट अगर आपका हाई हो जाता है तो भी हमारे को जो है आउटपुट हाई मिल जाता है। जैसे कि समझ लो इसका नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे इसके पास भी, या स्विच, नंबर ऑफ स्विच कितने होंगे, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्विचेस इज इक्वल्स टू 2, यानी कि अगेन 4 इनपुट होते हैं। ठीक है, 4 इनपुट होता है, और नेमली सिंबल कैसा होगा उसका, देखो सिंबल, दिस इज द सिंबल, इस तरह का एक सिंबल होता है, कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा सिंबल। ठीक है, इस तरह का सिंबल मिलेगा, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, आप उसकी शार्प एज लेते हो या नहीं लेते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको कैसा अच्छा दिखता होने। ठीक है, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, दोनों भी आपके तरीके से बना सकते हो आप उसको। ये होता है आपका आउटपुट वाई, ये होता है इनपुट ए, ये होता है इनपुट बी। ठीक है, इनपुट ए और बी, और इसकी जो इक्वेशन होती है तो वो इक्वेशन को हम इस तरह दिखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी अगर आपने लिया समझो तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, देखो जरा इसका ट्रूथ टेबल देखो। यहाँ पे लिखते हैं ए, ये है इनपुट बी, और ये हो गया आउटपुट वाई। ठीक है, जब ए की वैल्यू 0 थी और बी की वैल्यू 0 थी तब आउटपुट आपका 0 था, जब इसकी वैल्यू 0 रही लेकिन बी 1 हो गया तो आउटपुट 1 हो गया, जब ए की वैल्यू 1 हुई और बी की वैल्यू 0 हुई तब भी आपको आउटपुट 1 मिला, और जब दोनों की वैल्यू 1 हो गई तब तो मिला ही मिला। ठीक है, तो ये है इसके अंदर फर्क, ये जो फर्क है ना आपको ये वाला दिखाई देगा आपको यहाँ पर, कि ट्रूथ टेबल जो है एंड गेट और गेट का वो इस तरह से डिफर करता है। तो आपको क्या करना है, ये आउटपुट याद करने हैं उसके। ठीक है, इस तरह के आउटपुट याद करना है आपको, ये आउटपुट कैसे मिला, और आपको ये तो एंड गेट का आउटपुट कैसे मिला, देखो एंड गेट का आउटपुट यहाँ से याद रखना है आपने ऐसे वाला, और उसके बाद में जो होता है आपका और कौन सा, ये नॉट गेट, नॉट गेट तो बहुत ही सिंपल है, वो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में और गेट, और गेट का सिंबल और गेट की वर्किंग। ठीक है, ये वर्किंग इस तरह से होती है उसकी कि आउटपुट वो कब देता है, जब कोई भी एक इनपुट भी अगर आपका जो है तो 1 हो जाता है तो वो आउटपुट दे देता है। अब इसके बारे में मैं आपको जो है तो ऐसे समझाता हूँ, चलो मैकेनिकल इक्विवेलेंट स्विचेस से समझाता हूँ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट स्विच मतलब आपको एक बल्ब ग्लो करवाना है, आउटपुट मतलब बल्ब ग्लो करवाना। ठीक है, आउटपुट मतलब बल्ब ग्लो करवाना। तो देखो गेट्स के हमारे लॉजिक गेट्स क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट उनके कैसे होंगे, उनके मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट मतलब मैंने क्या करना है, देखो कि एंड गेट से शुरुआत करते हैं। देखो एंड गेट इजी जाता है समझने में, एंड गेट, एंड गेट में आपने करना यह है कि आपको दिए जाएंगे 2 स्विचेस। ठीक है, ये एक ऐसा स्विच और एक और स्विच समझो दूसरा, ये भी ले लो एक ऐसा दिया जाएगा, और एक बैटरी दी जाएगी। ठीक है, ऐसी बैटरी दी गई आपको, और एक बल्ब दिया गया आपको। ठीक है, एक आपके पास में बल्ब है, बल्ब आपको दिया गया ऐसे, और आपको ये बोला गया कि अब ये बल्ब को आपने ग्लो करवाना है स्विच ए और स्विच बी की मदद से, जब दोनों स्विच ऑन होंगे तब ही आपका बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो ये सर्किट आप एकदम से फटाक से बना दोगे, कैसे बना सकते हैं, देखो कैसे होना चाहिए, दोनों स्विचेस कैसे होना चाहिए, ऑब्वियसली दोनों स्विचेस हमारे ऐसे होना चाहिए सीरीज में। ठीक है, ये एक स्विच, ये दूसरा स्विच, यहाँ पे है बैटरी और यहाँ पे है बल्ब। ठीक है, जब ये स्विच है आपका ए और ये है बी, तो एंड गेट में आप देखेंगे कि एंड गेट का आउटपुट क्या रहता है। देखो मैं सिर्फ आउटपुट लिखता हूँ, एंड गेट का आउटपुट होता है आपका 0001, मतलब कि ए और बी की वैल्यूज पर, ए और बी की वैल्यूज बतानी पड़ेगी क्या, ये लो 0011 0101, ये है आपके पास में। ठीक है, इस तरह का है। तो इस तरह के सर्किट के अंदर में अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपने देखा अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है इनपुट ए और बी का और ये आउटपुट है आपके पास में, तो ज़रा देखो जब हमारे दोनों बटन बंद हो गए, मतलब कि ऑफ कंडीशन में, ऑफ कंडीशन मतलब जीरो होती है। ठीक है, ऑफ कंडीशन मतलब ये जीरो है, ये दोनों जीरो है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करा, अरे बल्ब ग्लो बताओ नहीं करा। उसके बाद 01 पे भी नहीं करा, 10 पे भी नहीं करा, क्योंकि ये एक स्विच बंद होने से क्या होगा, एक स्विच ऑफ होता है एक ऑन ही रहता है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जैसे ही दोनों भी ऑन हो जाते हैं, जैसे ही दोनों का कांटेक्ट ऐसे हो जाएगा, ये कांटेक्ट होते ही आपका जो बल्ब है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से ग्लो हो जाता है। तो कब होना चाहिए, ये वाला और ये वाला दोनों ऑन होने पर ही ये वाला ग्लो कर सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक से। ठीक है, तो ये हुआ एंड गेट का आपका इक्विवेलेंट, एंड गेट का इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी बनाते हैं, ये बल्ब है आपका।
ठीक है, ऐसे अभी बनाते हैं दूसरा गेट, दूसरे गेट का नाम बोलो, भड़कल गेट है ना, देखो तो दूसरा वाला गेट है आपके पास में, जिसका नाम है, जिसका नाम है और गेट, कितने वाले लिखेंगे और गेट, और गेट के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, दो स्विचेस है, फिर से वही कंडीशन है, दो स्विचेस है, वोल्टेज है और बैटरी है, और कैसे जुड़ाना पड़ेगा इसमें से कि कोई भी एक स्विच लगते ही आपका आउटपुट आ जाए। वेरी गुड, ये वाला सीरीज गेट भी बोला जाता है इसको, और इसको पैरेलल गेट बोलते हैं, ठीक है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करेंगे, एक बटन ऐसे बिठाएंगे, दूसरा बटन ऐसे बिठाएंगे, ठीक बिठा दिया। अब यहाँ से लेंगे और नीचे बैटरी को लगा देंगे, और यहाँ से लेंगे एक बल्ब को लगा देंगे, ठीक है ऐसे, ये बल्ब को लगा दिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज, और यह आ गया आपका स्विच ए, और यह आ गया स्विच बी, और यह आ गया आपका आउटपुट, यह आ गया बल्ब। ये कब ऑन होने लगा है देखो ज़रा, जब ए बी वाई की वैल्यू जल्दी जल्दी बोलो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये जब होता है ये हो जाता है 0 ये 1 1 1, ये आउटपुट हमारा चलने वाला है, ठीक है ना, ये आउटपुट हमारा चलने वाला है। तो कैसे चलेगा आउटपुट हमारा, देखो ज़रा, हमारा आउटपुट चलेगा जब ये दोनों भी, अरे ये वाला बल्ब आपका और ये वाला बल्ब आपका जैसे ही जुड़ जाए, तब ये दोनों में से कोई एक भी अगर जुड़ जाता है तो हमारा बल्ब कैसे हो जाता है, ग्लो करना शुरू हो जाता है, हमारे बल्ब का ग्लो शुरू हो जाता है किसी एक की वजह से भी। तो हम ऐसा बना देंगे कि ये किसी एक की वजह से भी शुरू हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई एक भी हो जाए इसमें से चालू। तो अब अगर यहाँ तक कि आपका अगर लॉजिक चल गया हो ना, तो चलो नॉट गेट का बता दो मुझे, नॉट गेट मैं नहीं बताने लगा उसका, ये होमवर्क है आपका। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया ना, तो नॉट गेट भी आप बना दोगे। नॉट गेट में हमको चाहिए नंबर ऑफ स्विच कितने, 1 स्विच, ओनली 1, ऐसा ठीक है, ऐसा स्विच एक, बल्ब एक, बैटरी एक, ठीक है। बस आपको करना ये है कि ऐसा सेटिंग करना है कि ये बल्ब, जब ये बटन ऐसा होता है तो बल्ब आपका ग्लो करना चाहिए, और जब बटन बंद हो जाता है यानी कि यहाँ से हाई हो जाएगा आउटपुट या वन इनपुट वन हो जाएगा, तब आपका जो बल्ब है वो ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है, उल्टी कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको इसकी स्पेस देता हूँ इतनी, चलो बना दो इसके अंदर आंसर, ठीक है। अगला गेट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब होता है नॉट प्लस एंड, ऐसा बनाए हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू नैंड। तो अब हमको क्या करना है, इस गेट का थोड़ा सा विश्लेषण करना है, मतलब यहाँ से इनपुट और आउटपुट कैसे होंगे, तो स्विच कितने होंगे आपके, स्विच इज इक्वल्स टू 2, इनपुट वही 4 हमारे, इनपुट इज इक्वल्स टू 4 वही होंगे, सिर्फ ये इन्वर्जन हो जाएगा एंड का इन्वर्जन। तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ एंड, एंड का इन्वर्जन गेट होता है ये। तो इसका सिंबल कैसे होगा देखो, ये हो जाता है आपका इनपुट ए, ये हो जाता है इनपुट बी, यहाँ पर मिलता है आपको आउटपुट वाई, और यहाँ पर मिलता है आपको आउटपुट वाई डैश, और ये वाई डैश हमारा ओरिजिनल आउटपुट होता है। मतलब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो ट्रूथ टेबल बनेगा इसका ए बी, यहाँ पे वाई, और ये हमारा आउटपुट ऑफ नैंड गेट, ये नैंड गेट का आउटपुट है, ये किसका है, ये एंड का आउटपुट होगा बीच में, ठीक है। तो बीच में एंड का आउटपुट भी मिलेगा, उसके आगे नैंड होने वाला है, ठीक है। तो ये जो जो सिंबल है हमने इसको ऐसे पहले, चलो ऐसा लिख लेते हैं, ए 0001 और 10 और ये आ गया 11। तो एंड गेट में कैसा होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, और ये 1 हो जाता है। बट नैंड गेट में क्या हो जाएगा, सिर्फ इस इनपुट, आप सिर्फ वाई को देखोगे, वाई का जो भी रहेगा वैल्यू उसको ये इन्वर्ट कर देता है। तो वाई डैश क्या करने वाला है, उसको वाई डैश उसको क्या करने वाला, 0 को 1 करेगा, ये भी 0 को 1 करेगा, ये भी 0 को 1 करेगा, और ये 1 को 0 कर देगा। मतलब ये जब हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट हमारे को मिल जा रहा है एंड से, तो ये आउटपुट को खत्म कर देता है, ये नैंड कर देता है उसको, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो नैंड गेट का जो इंटीग्रेटेड सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। हमने क्या कर दिया, ये जो नॉट का समोसा था ना, इसको इधर बिठा दिया इसके, ठीक है, इसे ट्रे में ला के रख दिया अपने। तो सिर्फ हमको यहाँ पे इसका जो है तो बबल बाहर दिखाई देता है, और ये वाला जो है आपका, ये होता है आपका एंड गेट, ठीक है। ये बेसिकली कौन है, ये एंड है, और ये कौन है, ये नॉट है। तो ये क्या बन गया, नैंड बन गया, ठीक है, इस तरह से बन गया। और यहाँ पे आपको वाई डैश मिलता है, और ये ए और बी रहते हैं, तो ये वाई डैश का आपका आउटपुट होता है। तो इसको बोलते हैं नैंड गेट। और क्योंकि नैंड गेट का यूज़ करके, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सारे गेट्स बना सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज, ये नैंड और नॉर, नैंड एंड नॉर, इसके बाद का है नॉर, आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल क्योंकि हर गेट बना सकते हैं आप इसकी वजह से, इनका यूज़ करके, ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है इनको। तो यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है, आप इनका यूज़ करके हर गेट्स बना सकते हो, यानी कि एंड और नॉट सब बना सकते हैं इसके यूज़ करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला कौन सा गेट होगा अपना, चौथा नंबर नहीं, पाँचवा नंबर, और दैट इज नॉर गेट भाई, नॉर गेट। हाँ, नॉर गेट का मतलब ऑब्वियसली बनाओ इसको, नॉट प्लस और इज इक्वल्स टू नॉर,
नॉर का मैजिक ही। और देखो ज़रा कैसे बनाएंगे इसको। इसके सिंबल सिंबल बनाओ, और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। तो ये होते हैं इसके सिंबल, देखो। और ये वाला कौन सा गेट है हमारा, ये है और गेट, और ये है नॉट गेट, और ये बन गया अपना नॉर गेट। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट ए और बी, और हम बीच में लिख देते हैं वाई, ये किसका होता है, ये और का होता है आउटपुट, और वाई डैश हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर का आउटपुट। ठीक है, नॉर का आउटपुट। तो जैसे ही हमने इसे लिखना शुरू किया, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 1 और 1। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 और 0। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी। बस इतना ही आसान होता है, ये इतना आसान है बनाना, समझे बात को, ऐसे हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें उनको याद रखनी चाहिए ऐसे। ठीक है, बस अब ये हो गया ट्रूथ टेबल आपका, तो नॉर भी बन गया। अब नॉर की इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन, और की इक्वेशन क्या थी, याद है, और की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो y है, उसका निगेशन ए प्लस बी, ऐसी हो जाती इक्वेशन। ठीक है, और नैंड के लिए लिखेंगे तो नैंड की इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कहाँ लिखते हैं इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे इसकी, नैंड नंदू गेट, हमारा नंदू गेट की इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, यूनिवर्सल गेट कैसे बोलते मालूम अपने दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे उसकी इक्वेशन, नंदू गेट y डैश इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये तो y हुआ और उसका निगेशन खत्म, ये देखो y, उसका निगेशन, तो ये y का निगेशन होता है, तो इसको लिख दिया आपने a डॉट b का बार। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन है, अरे ये वाली इक्वेशन है, इनको याद रखना पड़ता, कितने बार प्रेस करने का, इतने लेक्चर बन रहे हैं सुबह से शाम तक, टैब बोल रहा है भाई अब बस कर, है ना, ऐसे हो जा रहा है। तो ये इक्वेशन बनी अपनी, ये बहुत सारे गेट्स बने अपने, अरे है कि नहीं, यहाँ तक याद है सब कुछ, ओके। ठीक है, ये नॉर गेट हो गया आपका, ये हो गया आपका नैंड गेट, और ये सारे कुछ गेट्स, ये गेट तो मैंने आपके पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाने के लिए उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करेंगे, और इसके आगे क्या होता है, इसके आगे देखो, देखो यूनिवर्सल गेट्स यानी कि हम नैंड का यूज़ करके तीनों गेट्स बना सकते हैं, कौन कौन से गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, बाय यूजिंग नैंड एंड नॉर। तो मैं क्या करता हूँ, नैंड का यूज़ करके मैं बना देता हूँ आपको गेट्स, और नॉर का यूज़ करके आप बना लेंगे गेट्स। ठीक है, चलो वो होमवर्क रहेगा आपको। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, नैंड को सबसे पहले नॉट गेट बनाते हैं, नॉट बनेगा तो उसके आगे सब बनेंगे, तो आपको नॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, एक नैंड गेट का यूज़ करो, ठीक है, ऐसा, ये है उसका ए और बी, और ये है आउटपुट। अब उसका आउटपुट जो आता है वो आउटपुट, तो आपको नैंड गेट का आउटपुट याद रहना चाहिए, नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, 1000 होगा ना, नैंड गेट का आउटपुट, अरे 1000 होगा, 1000, सॉरी ऐसे नहीं होता है, एंड गेट का आउटपुट याद है, सिर्फ एक, दोनों जब हाई होते हैं तभी वो हाई होता है, तो ये तब वो लो होगा, मतलब ये 1100 होता है, 1100 होता है, समझे बात को, ऐसा होता है। तो अब इसके अंदर में कब कब होता है ये, तो ये होता है ए और ये बी के टाइम पे, ये ए होता है 0, बी होता है 0, ए होता है 0, बी होता है 1, और ए होता है 1, बी होता है 0, और ये 1 और 1, तो उसके ऊपर में ये होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या बनाना है, मुझे नॉट गेट बनाना है, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, बना कर देखो। तो नॉट गेट का ट्रूथ टेबल होता है, आपके पास में एक 0 हुआ तो ये 1 हो जाता है, ये 1 हुआ तो ये 0 हो जाता है, मतलब अपने को सिर्फ दो ही कंडीशन चाहिए। तो दो कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ज़रा इंपॉर्टेंट है ये, देखो एक कंडीशन ये वाली ले लो, दोनों सिमिलर होना चाहिए ए और बी, और दूसरी कंडीशन ये वाली ले लो, ए और बी दोनों सिमिलर, अरे समझे कि नहीं, अगर दोनों सिमिलर वाली कंडीशन ले लो तो बन गया ना अपना नॉट गेट। तो क्या करेंगे अपने इसको, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये लो बन गया, ये हो गया ए और ये हो गया वाई। अब अगर आपने ये ए को, अगर आपने ए और बी दोनों इक्वल हो गए ना, फिर तो ए इज इक्वल टू बी, तो आपने जैसे ही यहाँ पर एक इनपुट दिया, आपने इसको जीरो दिया, सपोज देखो मैं लिख के बताता हूँ, अगर आपने यहाँ जीरो दिया तो इसको भी जीरो मिला और इसको भी जीरो मिला, जीरो जीरो का क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा ना, नैंड, अरे ये नैंड का आउटपुट है ना, एंड थोड़ी है ये, नैंड का आउटपुट है ना ये, तो अच्छा नैंड गेट के अंदर मैंने एक चीज़ गलत बनाई है ना, यहाँ पर किसी ने गौर किया उसके ऊपर, नहीं ना, गुड, ये बबल चाहिए ना इसके ऊपर, है ना, बबल चाहिए और फिर ये वाई होता है। ठीक है, ऐसा ही है, तो ये क्या हो जाता है, 1 देता है आपको वाई। ठीक है, और नैंड गेट जाके ऊपर पढ़ लो, आपने बनाया होगा तो देख लो उसको, और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, ओहो
उसके बाद दूसरा दूसरा क्या करो, इसको वन दो तो इसको भी वन मिल जाता, इसको वन मिल जाता, देखो वन वन का जीरो, तो इसको क्या मिल गया, जीरो, या क्या हो गया, नॉट गेट। तो नॉट गेट आपका इस तरह से बन गया, आपने ये ऊपर की कंडीशन ले ली, नहीं ये कंडीशन ले, नहीं फिनिश। तो आप क्या करते हो, इनपुट को शॉर्ट सर्किट करते ही आपका नैंड गेट बन, सॉरी नैंड गेट जो है वो नॉट बन जाता है। क्या बन जाता है, इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर देना है, बस ऐसा है, इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो ये है आपका नैंड गेट जो कि बन चुका है नॉट गेट। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कि एक नैंड गेट है, उसके इनपुट कर दिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, दूसरा दूसरा बनाओ एंड गेट। एंड गेट तो बहुत ही आसान है, एंड गेट में क्या करने का, नैंड को एक नॉट लगा देने का। तो नैंड को नॉट लगा दिया, मतलब ये एक्चुअली इक्विवेलेंट क्या होने वाला मालूम है, पहले वो एंड था है कि नहीं, आपने उसको एक नॉट लगाया था तो वो नैंड बना था। एक और नॉट लगा दो, वो वापस से एंड बन जाता है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो वो फिर से एंड बन जाएगा। अरे समझे कि नहीं, ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर देखो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ये देखो ये क्या है, देखो ये है आपका एक नैंड गेट, उसको क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट, ठीक है ना, ऐसा लगा हुआ है, एक नॉट गेट लगा हुआ है इसको। चलो तो फिर बनाते हैं पहले एक नैंड गेट, ये है नैंड गेट, बन गया नैंड गेट को एक नॉट नॉट लगा, और नॉट भी ऐसा वाला नहीं लगाना है, समोसे वाला नहीं, अब नैंड वाला, नैंड से आपने कैसा बना के लिए, ऐसा नहीं लगाना है अब यहाँ पे, अब ऐसा नहीं लगाना है, आप कैसे लगाना है, इनपुट शॉर्ट सर्किट करो, फिर से नैंड ही लगाओ। तो ये जो है आपका, ये कौन है, ये है नैंड और ये है नॉट, इज इक्वल्स टू एंड, और एंड गेट बन जाएगा कुछ इस तरह का, समझे, ये हो जाता है आपका आंसर, ए और ये बी, देख लो इसको प्रूफ कर लो आप, ये आंसर बिल्कुल सही आता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एंड गेट, एंड गेट भी आपने बनाना था, ये एंड गेट बनाना था तो आपने इस तरह से बनाया। तो ये है सर्किट आपका, ठीक है। और तीसरा है और गेट, और गेट, और गेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, और गेट बनाने के लिए आपको आउटपुट क्या चाहिए, तो आप बोलोगे आउटपुट आपको चाहिए जीरो वन वन और वन, ठीक है, ये आउटपुट चाहिए। ये किसका गेट का आउटपुट है, ये और का आउटपुट है, अच्छा, लेकिन हमारे पास में तो नैंड है पहले, तो नैंड का आउटपुट कैसे रहता, नैंड का आउटपुट यहाँ लिखता हूँ, नैंड का आउटपुट रहता अपना वाई, इसको वाई डैश बोलो, इसको वाई, नैंड का आउटपुट जो होता है वाई बोले तो ज़ीरो ज़ीरो, कहाँ गया वो, यहाँ लिखे थे ना अपन ने इसको, ट्रिपल वन ज़ीरो होता है, ठीक है, गुड, ट्रिपल वन और ज़ीरो होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ट्रिपल वन ज़ीरो। तो आप ऐसा क्या कर पाओगे कि ऐसे दो इक्वेशन यूज़ करके आपको ये आउटपुट लेके आने का है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो योगा आपका ए, योगा बी, क्या किया हमने, कौन कौन सा गेट लगाया अभी, ये एक है नॉट, ये भी एक नॉट है, देखो ना शॉर्ट सर्किट है ना दोनों का किया हुआ, नॉट नॉट है, और नॉट नॉट को मिलाकर जब हमने जो है तो एक नैंड गेट को दिया, तो उसने हमारे को और बना कर दिया, ये पूरा गेट और है, ठीक है, ये पूरा गेट जो है ना आपका ये और बन चुका है। अब इसको चेक करना है अगर, तो आप इसको कभी भी चेक कर सकते हो, यानी कि देखो अगर आपने इसको ज़ीरो दिया और इसको ज़ीरो दिया, मतलब यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, देखो ए बी, तो अब यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको, यहाँ पे आपको मिलने वाला ए बार और बी बार है ना, तो आप लिखेंगे ए बार और बी बार, और फाइनली क्या मिलने वाला है, आउटपुट वाई मिलने वाला आपको। तो देखो ज़रा क्या होने वाला है, ये जब इसको आपने ज़ीरो दिया तो यहाँ पे क्या आएगा वन, और यहाँ पे भी क्या आएगा वन, जब आप वन वन देते हो, अगर आप नैंड गेट का ट्रूथ टेबल अगर याद रखते हो, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल मैं यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा सा, नैंड गेट में क्या होता है ए बी और वाई, नैंड ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, नैंड गेट नंदू गेट, ये कितना हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, और इसका जो आउटपुट मिलता है, ये आउटपुट आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, ये यहाँ पे देखा था ना आपने, ये वाला ट्रिपल वन ज़ीरो, ट्रिपल वन ज़ीरो क्यों मिलता है, जब ज़ीरो ज़ीरो होता है तो एंड का क्या होने वाला है, एंड का ज़ीरो होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा वन, और ये वाला ज़ीरो वन का एंड क्या होता है ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा वन, इसका एंड क्या होता है वन ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा वन, और लास्ट वाला जो केस है उसमें एंड का वैल्यू वन होता है, तो ये क्या हो जाता है ज़ीरो, ठीक है ना, समझे, इस तरह से होता है। तो ये है हमारा नैंड गेट का वैल्यू, हमको ये याद रखना है, अगर ये याद है आपको तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसको। अब देखो ज़रा देखो, अगर मैंने इसकी वैल्यू करा ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, तो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार की वैल्यू हो जाएगी वन वन ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे सब बार होते जा रहा है उसका, बी का वन ज़ीरो वन ज़ीरो। अच्छा अब देखो ए डैश और बी डैश, इनको इनपुट मानो,
ये वाला, इनको ये इनपुट मानो, ठीक है। ऊपर मत देखो ए बार बी बार क्या लिखा हुआ है, बोलते तो इनको इनपुट मानो और देखो वाई क्या आता है। वन वन के लिए वाई क्या है, वन वन के लिए वाई क्या है, जीरो। अच्छा वन जीरो के लिए क्या है, वन जीरो के लिए क्या है, वन आ गया वन। जीरो वन के लिए क्या है, जीरो वन के लिए वन। और जीरो जीरो के लिए क्या है, जीरो जीरो के लिए भी वन। तो आपको ये चाहिए था ना, देखो ये और है ना, अरे ये देखा आपने और गेट ये वाला, और अपने को ये और गेट मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो अपने क्या किया, नॉट नॉट लगाया पहले, दो दो नॉट लगा के आपने उसको यहाँ पे आउटपुट बनाया उसका, समझे बात को। तो ये इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं आप, इसको बोलते हैं हैंड रन करना। हैंड रन करना मतलब आप यहाँ से उसको चला सकते हो, यहाँ पे आप उसको इनपुट लिख सकते हो, इनपुट लिखकर आप चलाते हो। तो ये जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं वैल्यूज़ इन इनपुट आउटपुट के, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके आगे के इनपुट, यहाँ के मैं इनपुट के नाम लिख दूंगा यहाँ पर, ये है ए तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार, ये है बी तो ये हो जाएगा बी बार, ठीक है, ऐसे हो जाएगा यहाँ तक, समझा। और ये आ जाएगा वाई, तो ये वाई आपका आउटपुट है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, देखो ये तो बड़ा आसान था, ठीक है, ये बनाना आसान था, यहाँ पे तो आपने बना लिया इसको। उसके बाद में ये और गेट होता है, तो और गेट के लिए आपको दो नॉट लगाने पड़ते हैं और एक नैंड को आगे यूज़ करना पड़ता है। तो सच दैट ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है ना, ये कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये कब से चला गया था ये पर्पल वाला अपना ना एरो, बोले भी नहीं आप लोगों ने, ये सर नहीं दिख रहा बोल के। तो ये वाला देखो, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है इसको और बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा कॉम्बिनेशन और है, ये पूरा कॉम्बिनेशन एंड है, और ये कॉम्बिनेशन जो है अलजेब्रा। देखो बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, आपके पास में कुछ इनपुट होते हैं, जैसे कि ए इनपुट है, तो ए इनपुट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है और उसकी वैल्यू वन हो सकती है। अगर आपके पास में बी इनपुट है तो इसको भी आप बोल सकते हो, या तो इसकी वैल्यू जीरो है या तो इसकी वैल्यू वन है, बस ऐसे ही होते हैं। ये आपके पास में इनपुट्स होते हैं ए बी सी इस तरह के, और आपके पास में बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसके लॉज, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इसको एज इट इज आपने याद करना है, इसके अंदर में अपना ब्रेन नहीं चलाना है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल अलजेब्रा ख़राब कर देता है पूरा। तो लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इसके अंदर में बेसिक तीन फंक्शन होते हैं हमारे, और वो बेसिक तीन फंक्शन होंगे, नंबर वन अपना और फंक्शन, ठीक है, फिर दूसरे पे मैं लिखूंगा यहाँ पर इसका एंड फंक्शन, और तीसरे पे इसका एक फंक्शन होगा जिसको हम नॉट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये तीनों फंक्शन के अंदर में वैल्यूज़ क्या क्या आती है, तो लिखो, चलो लिखते हैं। और के अंदर में आता है कि अगर आपने ए एक इनपुट है आपका, वन स्विच है, अगर उसमें आप जीरो मिलाते हो, ठीक है, उसमें जीरो मिलाते हो, तो आंसर हमेशा ए ही रहता है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब जीरो और वन होता है। देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, जीरो और वन, ठीक है। तो मैं पहले तीन इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ए के अंदर अगर आप वन मिलाते हो तो आंसर हमेशा वन ही आएगा, और अगर ए के अंदर आप ए मिलाते हो तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। और में क्या होता है, एडिशन होती है ना, इसको हम एडिंग बोलते हैं। तो देखो ए में ए का वैल्यू कितना हो सकता है, या तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या तो इसकी वैल्यू वन हो सकती है ना। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो या तो वन, अरे वन। अगर आपने जीरो प्लस जीरो किया तो आंसर क्या आ रहा, जीरो, मतलब जो ए की वैल्यू थी वही आ रही है। अगर आपने ए की वैल्यू को वन रखा तो वन प्लस जीरो किया तो आंसर क्या आ रहा, वन, मतलब जो ए की वैल्यू है वही तो वापस आ रही है। तो ए की वैल्यू ही वापस आती है, इसलिए यानी कि ए की वैल्यू अगर जीरो रही तो जीरो बचेगा, ए की वैल्यू वन रही तो वन आएगा। ये होता है आपका ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ये वाला इक्वेशन को इस तरह से, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखो, ए में वन मिलाते हो, ए की वैल्यू अगर जीरो है उसमें वन मिलाओ तो आंसर वन है, ए की वैल्यू अगर वन है तो वन प्लस वन ऑल्सो वन होता है, वन प्लस वन ऑल्सो वन होता है। यहाँ पर ये अलजेब्रा, ये बूलियन अलजेब्रा है, इसलिए यहाँ पर वन प्लस वन इज इक्वल टू टू नहीं होता है, क्योंकि बाइनरी में टू है ही नहीं, बाइनरी में जीरो और वन है सिर्फ। तो इसलिए क्या होगा, या तो ये जीरो हो सकता है तो वन हो सकता है। तो अगर आप ए में यानी ए की वैल्यू अगर वन है तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन ही होता है, ये डिजिटल है, इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वन प्लस वन इज इक्वल टू वन ही होता है, ठीक है। तो अब आगे देखो, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए ही आने वाला है, मतलब जीरो अगर इसकी वैल्यू होती है तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आने वाला है, तो मतलब ए की वैल्यू वापस आ गई। अगर इसकी वैल्यू को वन रखते हो तो ये आ जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, यानी कि फिर से ए आ गया वापस। तो इसको बोलते हैं और के ऑपरेशन, इसको बोलते हैं और के लॉस। अच्छा एंड के लॉस देखो जरा, एंड के लॉ में होगा पहला आपका ए और जीरो का मल्टीप्लीकेशन, ए और जीरो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा जीरो बनाएगा। अगर ए की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू वन होती है तब भी ये जीरो होता है। अच्छा दूसरा बनाता है इसके अंदर में, ए को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा ए आता है। कैसे, ए की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू जीरो थी इसलिए जीरो आ गया। अच्छा ए की वैल्यू वन है तो ये वन इंटू वन इज वन, तो ये क्या आता है, आंसर ए आ जाता है, जो ए की वैल्यू रही वही आंसर आता है। और तीसरा लॉ इसके अंदर में लगता है ए डॉट ए, तो ये भी आपकी वैल्यू ए बनाता है। कैसे, ये ए की वैल्यू अगर जीरो है, जीरो इंटू जीरो जीरो, और ये अगर इसकी वैल्यू वन है तो वन इंटू वन इज वन, ठीक है, ऐसे होगा, ये होगा एंड गेट। उसके बाद तीसरा होता है नॉट, तो नॉट के अंदर में आता है कि ए में अगर आपने ऐड किया उसका नॉट ए बार, तो आंसर हमेशा वन रहेगा। कैसे,
ये अगर जीरो है तो उसका नॉट क्या होता है, वन, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। अच्छा अगर ये वन है तो उसका नॉट क्या होता है, जीरो, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू फिर से वन, तो आंसर क्या आता है, वन ही आता है हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। दूसरा देखो, अगर आपने ए के साथ उसके बार को मल्टीप्लाई कर दिए, नॉट है ना, तो नॉट के अंदर बार करना पड़ता है, बार को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमेशा जीरो होता है, क्योंकि ये अगर वन है ये बन जाएगा जीरो, तो वन इंटू जीरो से जीरो। अच्छा ये अगर जीरो है तो इसका नॉट बन जाएगा वन, तो जीरो इन वन जीरो होगा, मल्टीप्लीकेशन में ये वैल्यू है। और अगर आप ऐसा देखते हो कि इसके अंदर में आता है ए इंटू ए का डबल बार, तो ये आंसर जो आता है ये ए आता है हमेशा, ये इस वाला केस है, ये वाला केस है, दिस इज ये वाला केस, कैसे, ए इंटू ए बार और उसका बार, ए की वैल्यू है अगर जीरो तो ए बार की वैल्यू क्या होती है, वन, लेकिन उसका फिर से एक बार कर दो तो जीरो, तो वैल्यू ये हो जाती, सेम ये वाला केस आ जाता वापस, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन याद रखने का, ये वाला। और इसके बाद में हम एक लिखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये नीट में कभी कभी हमारे यूज में आता है, यूज करने के लिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम किसको बोला जाता है, उसका फर्स्ट थ्योरम होता है कि अगर आपने ए प्लस बी का होल बार लिया है तो इट विल बी इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, उसके बराबर होता है। कैसे, ले लो कि ए की वैल्यू को ले लो जीरो और बी की वैल्यू को ले लो वन। चलो अब देखो ये प्रूफ करो इसको, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो प्लस बी की वैल्यू कितनी है वन, ठीक है, और उसका पूरे का बार करो बोला, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन और वन का पूरा बार करो बोला, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन करो पहले, वन और वन का बार कर दो जीरो, तो एल एच एस आपका कितना है, जीरो है। अच्छा आर एच एस देखते हैं अब, ए बार को बी बार के साथ में, ए बार की वैल्यू क्या होगी वन और बी बार की वैल्यू क्या होगी जीरो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो आंसर जीरो है, ये देखो प्रूव हो जाता है ये लॉ, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैसे भी प्रूव कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू रखो आंसर आ जाता है उसका। तो ये होगा डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ। और फिर उसका एक सेकंड लॉ होता है, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ, उसका सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर ये इसका इन्वर्स ले लो, सॉरी ए डॉट बी का होल बार, अगर ये भाई एडिशन के साथ होल बार था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साथ होल बार है, तो यहाँ था ए बार प्लस बी बार, ये आ जाता है डी मॉर्गन का थ्योरम, ठीक है, डी मॉर्गन का थ्योरम। और ये जो बूलियन अलजेब्रा है ना, ये बूलियन अलजेब्रा फॉलो करता है कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉज का मतलब होता है कि आपने अगर ए को बी के साथ ऐड किया या फिर बी को ए के साथ ऐड किया, आंसर सेम होता है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन में भी अगर आपने ए डॉट बी लिखा या बी डॉट ए लिखा, तो इसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉज फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा एक लॉज है जिनको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज का मतलब होता है कि अगर आपने जो है लिखा होगा ए और उसको ऐड किया आपने बी डॉट सी के साथ, डॉट के साथ नहीं होगा, प्लस के साथ होगा, बी प्लस सी के साथ, तो ये वैल्यू हो जाती है ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी इट इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, बस कोई इसके साथ उसकी जोड़ी बन जाती है, दूसरों दूसरों की जोड़ी बनती है, ठीक है। उसके बाद होता है, इसके बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब नाम से चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऐसा लिखोगे आप कि ए का डॉट प्रोडक्ट है बी प्लस सी के साथ, तो इसको लिखा जाएगा ए को बांट दो बी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, प्लस ए को दे दो फिर सी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, समझे, इस तरह का होता है। और इसके आगे कुछ और जो है इम्पोर्टेंट, ऐसे समझ लो कि आइडेंटिटीज होती है, अगर वो आइडेंटिटीज आप याद रख पाओ तो आपके काम का है, वरना वो कुछ काम की नहीं होती है, ठीक है। बताता हूँ आपको क्या है, देखो ये होते हैं सम यूज़फुल आइडेंटिटीज़ जो कि आप यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ए की वैल्यू आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हर एक को प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर इसकी वैल्यू को आपने वन रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन, और बी की वैल्यू को अगर आपने समझ लो कुछ तो जीरो रखा, तो वन और जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है, जीरो के अंदर वन ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। चाहे बी की वैल्यू वन भी हो तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन ही होता है, तो आंसर वही आता है, सेम होता है, ए ही होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव कर सकते हैं इस तरह से, तो हर लाइन इसमें की जो होती है प्रूव होती है, लेकिन ये याद नहीं होती है,
ऑनेस्टली मुझे ये याद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको डायरेक्ट लिखकर बता दिया कि इस तरह लिखे जाते हैं। लेकिन अब अपने पास में फंडा ये होता है कि अगर हम इसको यूज़ करना चाहें और अगर हम जरा सी भी गलती कर बैठे, हम भूल गए अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में, अगर ये कि ए डॉट ए प्लस बी क्या होता है, इसकी वैल्यू ए होती है, ए डॉट ए बार प्लस बी की वैल्यू ए डॉट बी होती है, अगर ये हम शॉर्टकट, मतलब ये बड़ी बड़ी इक्वेशन जो दिख रही है ना आपको, ये बड़ी बड़ी इक्वेशन को छोटा छोटा करने का ये रूल होता है, तो अगर हम ये भूल जाएं, अगर समझ लो ये ए प्लस बी की वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल के लिए? बहुत प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ती है। और एक्चुअली जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, उनको ये सॉल्व करना अच्छे से आता है, या फिर मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप इसको बाईपास कर दोगे सीधा, ठीक है, इसको यूज़ करने की आपको कभी ज़रूरत नहीं आएगी, इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, और आप डायरेक्ट जो है तो इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। कैसे, चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये दिया है, इन द फिगर बिलो सर्किट सिंबल ऑफ अ लॉजिक गेट एंड टू इनपुट वे फॉर्म्स ए एंड बी आर शोन। तो हमको क्या बताना है, नेम द लॉजिक गेट एंड राइट इट्स बुलियन एक्सप्रेशन, राइट इट्स ट्रूथ टेबल एंड गिव द आउटपुट वे फॉर्म। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, अगर आप इसको देखोगे तो हम इसको पहले नाम दे सकते हैं, ये गेट का नाम क्या है, तो गेट को देखकर पहले समझ गए आपने कौन सा गेट है, बोलो रंगीन गेट, क्या बोलेंगे इसका नाम, एंड के ऊपर बबल है तो इसका नाम है इट्स नंदू गेट, ठीक, ये नैंड गेट हो गया। इसकी इक्वेशन लिखो वाला है, राइट इट्स बुलियन इक्वेशन, तो बुलियन इक्वेशन कैसी होती है उसकी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार होती है ना, ए डॉट बी तो इसको भी बनने वाला था ना, ये तो ए डॉट बी बनने वाला था, उसको फिर बबल लगा दिया तो हो गया बार, ए डॉट बी बार ये उसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद राइट इट्स ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे हम इसका, ये इनपुट्स हैं, इसके हिसाब से अपने को उसका ट्रूथ टेबल तैयार करना है, ठीक है। तो देखो ज़रा ट्रूथ टेबल क्या है इसका, ट्रूथ टेबल यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ होता है बी, यहाँ होता है वाई, हमारे पास में इक्वेशन आती है, देखो ए की वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू ज़ीरो, ये ज़ीरो होता है, फिर ये ज़ीरो, ये वन, फिर ये वन, ये ज़ीरो, और ये वन, और ये वन, तो इसका आउटपुट क्या होता है, नैंड गेट है ये, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो, तो इसको कर दिया उसने वन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो, उसको कर दिया वन, इसका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो और उसको भी कर दिया उसने वन, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना वन, तो उसको कर दिया जीरो, ठीक है। ये है हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल होगा। उसने अपने को नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बोला था, जो इनपुट दिया उसका नहीं बोला था, ठीक है, इनपुट जो दिया हमको उसके हिसाब से उसका आउटपुट लिखना है, ठीक है। चलो अब उसका आउटपुट लिखते हैं इनपुट के हिसाब से, तो सबसे पहले देखेंगे कि इनपुट एक्चुअली है कौन सा और हमारे को आउटपुट जो लगेगा वो कैसा होगा। देखो ये आपको जो मिल रहा है ए और बी, तो सबसे पहले आपको ए और बी मिल रहा है, ए की वैल्यू वन है ना, तो यहाँ पर बी की वैल्यू भी, इसको बंद करना भूल गए, ए की वैल्यू आपको मिल रही है वन, तो इसकी वैल्यू भी क्या मिल रही है वन, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है ज़ीरो, और ये वन, ये क्या मिल रहा है वन, और ये क्या मिल रहा है वन। इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर में कितने स्लॉट हुए, तीन स्लॉट हुए। उसके बाद में फिर से ये देखेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया ज़ीरो और ये हो गया ज़ीरो, फिर से ये देखेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा ज़ीरो। उसके बाद ये कौन है ज़ीरो और ये क्या है वन, ये क्या है वन और ये कौन है ज़ीरो और ये कौन है ज़ीरो और ये कौन है ज़ीरो और ये वन और ये वन, ठीक है। इस तरह का हमारे पास में एक इनपुट है, ये इनपुट इस तरह देखा जाता है, अगर ये ऊपर की तरफ होता है तो उसको वन बोलते हैं और ये नीचे की तरफ होता है तो उसको ज़ीरो बोलते हैं, बस ये रेफरेंस नीचे होती है, इसकी रेफरेंस लाइन जो होती है ना वो यहाँ होती है, बनता ऐसी होती है रेफरेंस, इसीलिए इसको ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन बोला जाता है। पहला वाला देखेंगे आप इसका तो ज़ीरो, इसका ज़ीरो होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अगर ए को देखेंगे फर्स्ट वाला तो ये जीरो है तो ये भी जीरो होता है, ठीक है, इस तरह से। तो चलो अब हमारा आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होंगी, पहले आउटपुट वेवफॉर्म को लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं नंबरिक वैल्यूज़ लिख लेता हूँ इसके हिसाब से, ये टेबल को देखो और यहाँ पे वैल्यूज़ लिखो, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर किस प्रकार होगा, देखो ज़रा ज़ीरो ज़ीरो का बोलो, देखो टेबल में देखो ज़ीरो ज़ीरो का वन, तो हमारा आंसर में आएगा यहाँ पर वन, ठीक है। उसके बाद वन वन का ज़ीरो, उसके बाद ज़ीरो वन का, ज़ीरो वन का ए की वैल्यू ज़ीरो, अरे देखो ना ए की वैल्यू ज़ीरो, बी की वैल्यू वन ना, ये ज़ीरो वन, तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो वन का वन, ठीक। उसके बाद ये वन वन का फिर से ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो का वन, वन ज़ीरो का वन है ना, वन ज़ीरो का वन, ज़ीरो वन का भी वन, वन ज़ीरो का वन, ज़ीरो ज़ीरो का वन, और वन वन का ज़ीरो, अरे समझे, ये है हमारी वेव फॉर्म। अब ये वेव फॉर्म है तो चलो इसको बनाते हैं, ये वेव फॉर्म बनाने के लिए हमको उतने ही स्लॉट करना पड़ेगा, अगर हम इसके नीचे ही एग्जैक्टली अगर ड्रॉ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसके नीचे ही अगर हम ड्रॉ कर पाए तो इसको, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे वन, तो ये होगा यहाँ पर, फिर जाएगा ज़ीरो, फिर जाएगा वन, फिर जाएगा ज़ीरो, फिर जाएगा वन, फिर वन, फिर वन, किधर का है ये वन, यहाँ का है ना, ठीक है, यहाँ का वन है, ये भी वन होगा, इसकी वैल्यू होगी ज़ीरो, सॉरी ये वन है और ये भी वन है और ये भी वन है और ये वैल्यू ज़ीरो है,
ये होगा हमारा आउटपुट, ठीक है, दिस इज आवर आउटपुट, समझे बात को, इस तरह से आउटपुट बनेगा, ये होता है वाई, दिस इज वाई, आपको जो आउटपुट मिलेगा किसका आउटपुट, ये इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आपने ये अगर वे फॉर्म दिया आपने उसको, ये वे फॉर्म दिए तो वो ऐसे आउटपुट देगा, और अगर आप उसको ये वाली वे फॉर्म देते हो, ये वाली ए और बी की, ये वाली वे फॉर्म देते हो तो ये आउटपुट देता है, क्या आउटपुट देता है, 3 1 फिर 0, 1 1 1 और 0, ये देता है, ऐसा देता है, ये वाली वैल्यू ऐसी है, ये वैल्यू ऐसी है, अरे समझे कैसे बनाते हैं तो, ठीक है, तो और समझाना एक बार में, ये इनपुट्स है ए और ये बी, इनके इनपुट्स मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, और ये लिखकर फिर हम इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो इनपुट पहले देखने के बाद उसमें से 1 0 कैसा है वो ट्राई कर लेना, ट्रूथ टेबल को देखना, ट्रूथ टेबल को देखकर फिर यहाँ पे 1 1 का 1 0 का 0 1 का ये पूरे वैल्यूज लिखते जाना, और जितने वैल्यूज लिखते गए हो, अगर आपको ये रेफरेंस ऐसा बनाना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो मालूम है, अगर आपको ऐसा बनाना ना आए तो आप थोड़ी देर के लिए उसका रेफरेंस भी बना सकते हो, कैसा होता है रेफरेंस देखो ज़रा उसका, ये लाइन एग्जैक्टली इसके नीचे आनी चाहिए, ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है, फिर ये एक पॉकेट है, फिर ये एक पॉकेट है, ठीक है, इस तरह से होता है, वो हर पॉकेट के अंदर में डिसाइड होता है कि वो 1 होगा कि 0 होगा, ठीक है, ऐसा होता है ये केस, ठीक, समझे बात को, यहाँ पे कुछ टर्म्स मिसिंग हो गए, फिर अपने इसको 1 बोले थे, इसको 1 बोले थे, इसको 1 बोले थे, इसको 1 0 बोले थे इसको, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है, तो ये था आपका वैल्यूज, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन आउटपुट वाई इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए एंड बी, ठीक है, इनपुट ए और बी के टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में हमारे को उसका आउटपुट लिखना है, तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे आउटपुट उसका, ए और बी के टर्म्स में मतलब कि आउटपुट हमारा ए आएगा या बी आएगा, अब अगर आपको ये वाला चेक करना है तो इसको हैंड रन करो, सबसे अच्छा आइडिया यही होता है, हैंड रन का तरीका क्या होता है, देखो वैल्यू को 0 0 0 1 ऐसे कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू ए है तो ये दोनों टर्मिनल क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चलता आज ए बार मिलेगा, यहाँ से ए बार आ रहा है आपका, यहाँ से बी देखेंगे आप अगर, तो ये क्या आने वाला है, बी, ये बी का दोनों का देखेंगे आप तो, अच्छा एक एक पॉइंट फिर से बताता हूँ, देखो क्योंकि ये नैंड गेट है बीच में, तो यहाँ से आपके पास में आ रहा है ए, तो ये भी हो गया ए और ये भी हो गया ए, ठीक है ना, ए और ए का डॉट करेंगे आप तो ए और ए का डॉट क्या होता है, अभी अपन ने देखा था, देखो लॉजिक्स के अंदर में ए डॉट ए इज इक्वल टू ए ही होता है ना, तो अगर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है उसका इन्वर्जन क्या होगा, ए बार होगा, ठीक है, ऐसे होगा, कहाँ देखे थे ये बुलियन में लिखे थे ना बेटे, ये देखो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है, तो उसी को यहाँ पे हमने देखा, ये हो गया ए बार, अच्छा बी को देखे तो ये बी यहाँ पे भी और बी यहाँ पे भी, तो बी डॉट बी बोले तो बीच होता है, तो बी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, तो बी बार हो जाएगा, अब ये बी बार आया वो दोनों ऐड होंगे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा ए बार प्लस बी बार और उसका होल बार हो जाएगा फिर, क्योंकि देखो ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट की वजह से यहाँ पे होल बार लग जाएगा सबके सर पे, बार लग जाएगा टोटल, ठीक है, और इधर से एक बी आ रहा है देखो, तो इधर से एक बी आता है, ये बी डायरेक्ट आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बी डायरेक्ट आया तो ये क्या करने वाला है, आके आउटपुट में हमारे क्या ऐड करेगा वो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारे आउटपुट में आकर इक्वेशन को ऐसे बनाएगा कि इक्वेशन लिख के देखो कैसे कैसी हो जाएगी इक्वेशन, देखो वाई बराबर, ये वाई की इक्वेशन लिख रहा मैं, देखो वाई इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला दोनों का एडिशन, ए बार प्लस बी बार का होल बार प्लस बी, ऐसा कर दिया, अच्छा अब अगर अपन देखेंगे कि ये ए बार प्लस बी बार का होल बार, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है कुछ ए डॉट बी का डबल बार, ये होती है उसकी वैल्यू, ये कहाँ से आया, बुलियन से ही आया है ये, ठीक है ना, बुलियन आइडेंटिटी से आया है, अब यूज़फुल आइडेंटिटी थी कि अपने पास कोई, तो भी देखो ज़रा ए बार प्लस बी बार का होल बार, डी मॉर्गन्स किधर है, ये दोनों में भी नहीं है, इसको प्रूफ करके देखना पड़ेगा आपको, ए बार की वैल्यू अगर ये ज़ीरो था, ए की वैल्यू ज़ीरो थी इनिशियली, ए की वैल्यू अगर इनिशियली ज़ीरो थी और बी की वैल्यू भी इनिशियली ज़ीरो थी, अगर दोनों का ज़ीरो ज़ीरो था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का 1+1 हो जाएगा, 1+1 इज़ 1, 1 का अगर आपने बार कर दिया तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो, इसको देखो आप, 0 × 0 इज़ इक्वल टू 0 × 0 इज़ इक्वल टू 0, उसका एक बार बाहर करो तो आता है 1, फिर एक बार और बाहर करो तो आता है 0, तो आउटपुट क्या है 0, तो ये दोनों कैसे हुए, ये दोनों बराबर हुए अभी, ठीक है, ये दोनों होते हैं बराबर, आपको इस तरह से इसको याद रख लेना पड़ेगा, तो अगर आपने याद रख लिया ये बी के साथ में तो फिर ये फाइनल आंसर क्या निकलेगा, ए डॉट बी का डबल बार बोला आपने, तो ए डॉट बी का डबल बार बोले तो किसके बराबर है, ए डॉट बी के तो बराबर है ना वो,
अरे अभी तो देखिए अपने डबल बार होती है, क्या होता है, ए डॉट बी का एक बार दिखे तो जीरो को वन कर देता है, एक बार और करे तो उसको फिर से वन जीरो कर देता है, वन का जीरो, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी। डबल बार का मतलब कुछ भी नहीं, अगर आप उसके ऊपर से निकाल भी देते हो तो चलता है, यानी आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एक वैल्यू है उसको एक बार नेगेटिव करो, फिर से कर बार नेगेटिव कर दो तो वैल्यू हो जाती है वो पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया। और इसके अंदर मैं बी को ऐड करूँ, अब ए डॉट बी अगर है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, अपने को इसको वैल्यू दिखती है बराबर ए प्लस वन के बराबर, क्योंकि ए डॉट बी का जो वैल्यू आने वाली है ए प्लस वन के बराबर आने वाली हमेशा, और उसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये इसका आंसर डायरेक्टली निकलता है। ए प्लस वन हमेशा करोगे तो आंसर क्या आता है, वन ही आता है, वन को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, हैं जी, अब इसका आंसर आता है बी के बराबर। लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये वाला केस हम जो है लॉजिक गेट से कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन तो यहाँ तक के समझ में आई ना इसे। अब ये वाले सर्किट को हम यहाँ पे लेते हैं, देखो दोबारा से ऐसा करते हैं, इसको वैल्यूज देते हैं और आपको बताता हूँ प्रूफ करके कि ये हैंड रन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ए की वैल्यू को रख दो जीरो और बी की वैल्यू को रख दो वन, अलग अलग रखोगे तो मालूम पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है बोलकर। तो देखो ए की वैल्यू आपने जीरो रखा तो यहाँ पर भी आएगा जीरो और यहाँ पे भी आएगा जीरो, जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, और उसका बार कर दो तो जाता है वन, तो यहाँ पे क्या पहुँचा, वन पहुँचा, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे वन है तो ये दोनों वन वन है, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, और उसका बार कर दो तो आ जाता है जीरो, पहुँच गया जीरो। अच्छा वन और जीरो को ऐड करो तो आंसर आता है वन, उसका नॉट कर दो जीरो, ठीक है, इधर से जीरो पहुँचा। अच्छा बी की वैल्यू क्या रखे आपने, वन रखे, ठीक है, तो ये वन और ये इधर से कौन जीरो, वन और जीरो को ऐड करो आंसर क्या है, वन, खत्म। इतनी पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये आंसर आपको डायरेक्टली मिल गया वन, यानी कि आंसर इज इक्वल टू बी, तो आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू बी, खत्म। आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हो, अगर ये आंसर हमारा जीरो के बराबर आता था तो हम बोलते थे वाई इक्वल टू ए है, लेकिन अभी किसके बराबर आया, वन के, तो हमने क्या बोला वाई इक्वल टू बी है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों को अलग अलग रख के देखो तो आपको एकदम करेक्टली आंसर मालूम पड़ता है किसका आंसर आ रहा है बोलकर, तो समझे बात को। इतना पूरा ये बूलियन अलजेब्रा से ये मुझे नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये आप बूलियन अलजेब्रा से करने के चक्कर में जाओ भी मत, क्योंकि ये आइडेंटिटी कहाँ से लाएं, इसको आइडेंटिटी को इसमें रिप्लेस करें, ये कब हमारा ब्रेन चलेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी ना इसकी, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है कि इसको इसमें रिप्लेस किया, इसको इसमें रिप्लेस किया, इसको फिर इस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर बी बनाया, ऐसे कैसे बना दिया, तो ये तो उसका सोल्यूशन है ना डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे लॉजिक गेट से डायरेक्ट सॉल्व करने का, तो उससे इक्वेशन से बेटर हमारा आंसर यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पर आंसर आया। फिर से समझना है कि आपको एक बार और वेरीफिकेशन करनी है कुछ, देख लो कुछ और वैल्यूज रख के बता दूंगा, देखो इसकी वैल्यू को रख देते हैं वन, इसकी वैल्यू कर लेते हैं जीरो, ठीक है, अब ये वन है तो यहाँ पे क्या चलेगा, वन और वन चलेगा, दोनों भी शॉर्ट सर्किट है ना, ये तो ये वन और वन चलेगा, तो वन का यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जीरो, क्योंकि ये नॉट गेट है ना, अगर समझना चाहो तो इसको नॉट बोलते हैं भाई, कल देखा था ना नैंड का अपन ने बनाए थे नॉट, तो ये नॉट है तो ये वन का जीरो हो जाएगा ना इधर में, तो ये आ गया वन का जीरो यहाँ पर आपके पास, यहाँ गया जीरो, ठीक है, और उसके बाद में ये जीरो का आ जाएगा यहाँ पर वन, अब उसका नॉर करो, वन और जीरो को ऐड करो पहले तो आता है वन, उसका नॉट करो तो आता है जीरो, ये आ गया जीरो, और नीचे आपने इसको क्या दिया, बी को दिया आपने जीरो, तो ये जीरो को इधर पहुँचा तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू आंसर जीरो। अरे देखा आपने, जो बी रखा था वही आंसर आया, जो बी रखा था वही आंसर आया, अरे समझे क्या, इस तरह से आप इसको, तो ये पिंक कलर वाले अलग है और रेड कलर वाले अलग है, मैंने दोनों भी आपको इनपुट यहाँ पर पूरे चलाकर दिखाया है कि इसको इस तरह से हैंड रन किया जाता है, समझे बात को, ऐसे रन करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू विच लॉजिक गेट, ऑल्सो ड्रॉ इट्स सिंबल एंड ट्रूथ टेबल, इसको पहचानो और इसका ट्रूथ टेबल और सिंबल बनाओ। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, अगर ये एक सर्किट है ये जीरो और ये जीरो है, क्या बल्ब हमारा ऑन है, क्या बल्ब ऑन है, नहीं, क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, अरे यहाँ से वी वोल्टेज तो मिल रहा है लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सर्किट कब कंप्लीट होगा, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट करते ही सर्किट कंप्लीट हो गया, मेरा बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है, तो दूसरे को ऑन नहीं करे अगर भी ये चलने लगा तो मतलब ये सर्किट का नाम है और गेट, खत्म, पता चल गया ना, बस हो गया ना, फिर और क्या करते हैं, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो बना लो, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई, समझ लो इसको, अच्छा बोल देते हैं कुछ तो शायद ये नंबर चल रहा होगा, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू को पहचानो, ऑल्सो राइट डाउन द रिलेशन इन ए बी एंड एक्स, ए बी और एक्स का रिलेशन क्या लिखो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको गेट को पहचानेंगे, ये कौन सा गेट है, नॉर, ये कौन सा गेट है, एंड, ठीक है, नॉर के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी का इन्वर्जन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ए डॉट बी होता है, चलो फिर इक्वेशन लिखेंगे इसकी, इसकी इक्वेशन यहाँ क्या आने वाली है, ए बी, तो यहाँ पे आने वाला आपका ये जो पी के बाद में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और उसके आगे बबल है, बार हो गया पूरा, ए प्लस बी बार, ठीक है, और फिर यहाँ से बी आ रहा है, ये इधर से देखो, इधर से बी आ रही है, ये क्या है, आउटपुट दे दिया बी का आपने, इसको बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी होल बार डॉट बी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये है आपका आउटपुट, तो इस तरह से ये आपको आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी, ठीक है, ए प्लस बी ऐसे मिला, समझो ये वाला, और उसके साथ में डॉट किया आपने इसको, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, आउटपुट क्या मिलने वाला है, चेक करते हैं, तो बूलियन अलजेब्रा तो अपने को, अपन उसके अंदर में कच्चे है ना, तभी क्या करते हैं अपन,
आप में से कोई पक्का होगा तो खिलाड़ी खेल लो इसको, वाई की इक्वेशन लिख कर बता दो क्या आएगी। लेकिन अपन तो लिखेंगे भाई यार 0 1 के साथ, ये 0 और ये 1, चलो मानते हैं। अगर ये 0 और ये 1 है तो a प्लस बी करते हैं, यानी कि ये दोनों का एडिशन करते हैं, 1 1 का बार कर दिया। तो पेन बदल लेते हैं पहले, चलो इसको इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, चलो गुड अप। ये दोनों को 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू 1, और उसका इन्वर्जन किया तो 0, तो यहाँ कौन पहुँचा 0, ये 0, तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0, यहाँ का x का आउटपुट क्या मिल रहा है फिर आपको, ये एक्चुअली y नहीं है, ये x है, ये गुड ऐसा है। तो x का आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा, ओहो 0 मिला। अच्छा अगर 0 मिला तो दूसरा चेक करते हैं, चलो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा चेक करने के लिए इसको रब कर दो, फिर से चेक करो, अब की बार हाँ समझ गया ना। तो अभी देखो 0 1, अब ये दोनों का एडिशन करो तो 1 उसका पहुँचा 0, नीचे पहुँचा 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर इज इक्वल टू 0। ओहो अब सिर्फ ये इसको चेंज करो, इसको 1 करो तो ये हो जाएगा 1 1, यहाँ पे गए दोनों भी ऐड हो गए तो 1 1 का 1 हो गया, उसका फिर से आउटपुट 0 निकला और ये 1 यहाँ आ गया 0 इंटू, ओह किसी भी तरह से कर दो, दोनों को 0 रख दो, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, उसका वैल्यू यहाँ पर 1 पहुँचेगा और ये यहाँ से 1 पहुँचेगा, 1 और 1 और 1 का वैल्यू, एक मिनट ये कुछ दिख रहा है आते हुए, 0 0 रखेंगे क्या आएगा, देखो इसको 0 रखा इसको 0 रखा, तो ये 0 0 का क्या हो जाएगा, इधर एडिशन हो गया तो ये हो जाएगा 0 0 का 1, ठीक है। ये यहाँ से क्या पहुँचा 0 1 0 का 0, आउटपुट कंप्लीट 0 है, आउटपुट क्या है कंप्लीट 0, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है याद कर लो, ये फाइनल आंसर है। अब इसका एक्चुअल अगर सोल्यूशन देखेंगे आप, जो आपको एक्चुअल सोल्यूशन मिलेगा वो इस तरह का होगा, इसका x इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार डॉट b के साथ, ये इक्वेशन अपन ने भी लिख दिया, उसके आगे का जो अपने को नहीं आता वो क्या है, a डॉट b में कन्वर्ट करें इसको, और दोनों के ऊपर में डी मॉर्गन थ्योरम है ना, ये देखो a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार, डी मॉर्गन लॉ, तो डी मॉर्गन लॉ से अपन ने उसको ऐसा कर दिया, ठीक है डी मॉर्गन लॉ से कन्वर्ट करें। उसके बाद क्या आएगा, डी मॉर्गन लॉ से कन्वर्ट करें बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, a बार अलग कर दिया अपन ने और यहाँ से b बार इंटू b कर दिए। अब ये तो आइडेंटिटी है ना अपने पास, b बार इंटू b, कहीं तो देखे थे, देखो b बार इंटू b, ये b बार इंटू b 0 आता है वैल्यू, a बार इंटू a या b बार इंटू b 0 आता है वैल्यू, तो आंसर क्या होगा उसका, 0 कहाँ गया, रुक जा, इसी वैल्यू 0 है। अगर आप a बार को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये वैल्यू हमेशा के लिए 0 हो जाती है, तो आंसर x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से उसका आंसर 0 निकला है। लेकिन अपन ने क्या करे, अपन ने शॉर्टकट करे, अपने ये वैल्यू रख के देखे, ये वैल्यू रख कर देखकर अपने उसके 4 इनपुट निकाले, क्योंकि अपने पास में a और b की वैल्यूज रहती क्या। अरे देखो ना जिसको टेंशन आ रहा है ना सर a और b की वैल्यूज क्या लेना, आपने कैसे लिए, ये देखो a b क्या क्या लेना, 0 0 0 1 1 0 1 1, इन सब का आंसर जो x का निकला अपना वो क्या निकला, x का जो आंसर अपना निकला क्या निकला, इसका भी 0 निकला, इसका 0 निकला, इसका 0 निकला, इसका 0 निकला, बस ऐसा चला के देख लेना सर्किट को। इसको बोलते हैं इसका हैंड रन ऑफ द सर्किट, अरे समझे कि नहीं, हैंड रन ऑफ द सर्किट बोलते हैं। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अब बाकी अपने, लेकिन अपना लेक्चर टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसलिए अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टाटा। तो नेक्स्ट इज इफ इनपुट ए एंड बी आर इन्वर्टेड बिफोर एंटरिंग इनटू नैंड गेट एज शोन इन द डायग्राम देन राइट डाउन द लॉजिकल सिंबल एंड द ट्रुथ टेबल बाय यूजिंग ए बी ए डैश बी डैश एंड वाई। ट्रुथ टेबल में ये 5 एंट्रीज होनी चाहिए हमारे पास में, और ये कौन सा लॉजिक सर्किट है आपको ये पहले पहचानना है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ए इनपुट है, यहाँ पर बी इनपुट है, ठीक है, उसके बाद में आ रहा है ए डैश और वो आ रहा है बी डैश पर, ठीक है। ए डैश और बी डैश यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, वाई की इक्वेशन कैसी आ रही है, देखो वाई की इक्वेशन आ रही है ए डैश, यहाँ पर डॉट हो रहा है पहले बी डैश, ठीक है ना, ए डैश बी डैश का डॉट होता है और डॉट के बाद में वो इन्वर्ट हो रहा है क्योंकि एक बबल भी आ गया, ठीक है ना, ये नैंड गेट, तो ये दो नॉट है और ये नैंड गेट है, तो ये ए डैश बी डैश को इस तरह से इन्वर्ट भी कर रहा है इस तरह से। तो हम लिखेंगे पहले इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, देखो तो हमारे पास में होगा ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में आएगा एंट्रीज ए बी ए डैश बी डैश और वाई, तो ये दोनों की वैल्यू तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होती है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब वैल्यू आपको लिखनी है ए डैश बी डैश की, तो ए डैश बी डैश कैसे हो जाएंगे, देखो डबल 0 का हो जाएगा डबल 1, डबल 1 का हो जाएगा डबल 0, बी में क्या हो जाएगा 1 0 1 और 0, ठीक है, ये पूरा इन्वर्टेड हो गया, ये एक्जैक्टली इन्वर्ट हो गया, ए डैश बी डैश बन गया। अब वाई की इक्वेशन हमको जो लिखनी है तो वो क्या करना है, ए डैश बी डैश का पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इन्वर्जन करना है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1 इंटू 1 इज 1 उसका इन्वर्जन 0, 1 इंटू 0 इज 0 उसका इन्वर्जन 1, 1 इंटू 0 इज 0 उसका इन्वर्जन 1 और 0 इंटू 0 इज 0 और उसका इन्वर्जन 1, तो हमारा ये आंसर हमको मिला है। तो ये है हमारा गेट, अब ये गेट आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कौन सा गेट है, तो ये गेट कौन सा है पहचान सकते हो, जल्दी बोलो, ठीक ऐसे होंगे, ओके गुड। अगर आप ये ए डैश बी डैश को बीच में से नहीं देखते हो, सिर्फ ए और बी के इस पे से आप अगर जो है तो डिसाइड करते हो कि ए और बी के इनपुट कैसे, 0 0 पे वाई 0 है और बाकी हर एक पर वाई की वैल्यू 1 है, मतलब ये और गेट है और ये आपने बनाया होगा और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट, ठीक है,
ये है हमारा और गेट बाई यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट का यूज़ करके। और ये सर्किट आपने बनाया था, मैंने होमवर्क में आपको आई थिंक दिया था, अच्छा नॉर के साथ दिया था, और ये वाला मैंने खुद बनाकर बताया था आपको, ठीक है ये वही सर्किट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट से हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, और क्वेश्चन इस तरह आया है कि ये एक सर्किट है, इसके अंदर बताया कि यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे LED है और यहाँ पे ग्राउंडिंग है। मतलब अगर ये सर्किट में अगर ये वाला स्विच, ये स्विचिंग नहीं होता है, अगर ये पार्ट नहीं है अगर, ठीक है ये इधर का पार्ट अगर नहीं है, तो ये LED हमारा डायरेक्ट ग्लो होने वाला है। बट हमको क्या बोला है, करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज नॉर और एंड नैंड, कौन सा गेट ये बता रहा है। अगर हम इसकी दोनों की वैल्यू 0-0 रखते हैं तो क्या LED हमारा ऑन है? यस, देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और LED हमारा ऑन रहेगा। अच्छा अगर इसमें से किसी एक को भी आपने अगर बंद किया तो हमारे LED पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो जरा, अगर इसमें से एक को आपने ऑन कर दिया तो एक को ऑन करने के बाद क्या हो जाएगा, LED आपका ऑन ही रहेगा। तो क्वेश्चन के अंदर में जिस तरह से दिखाया है उस हिसाब से इसको वन करके देखो, देखो हमारे इनपुट क्या रहते हैं, ए बी और वाई, वाई बोलते हैं LED 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो अब दोनों 0 0 है तो आउटपुट लग रहा है यस yes। एक अगर एक को अगर वन कर दिया मतलब इसको क्लोज कर दिया, अगर ये क्लोज कर दिया फिर भी ये तो बंद है तो फिर भी ये ग्लो कर रही है LED, तीसरे केस में भी ग्लो कर रही है LED, चौथे केस में दोनों जो 1 1 हो जाएंगे तो हमारा करंट इसमें से पास हो जाएगा, LED ऑफ हो जाएगी, तो LED हो जाएगी क्लोज। ये आपको आउटपुट किसका नज़र आ रहा है, ये आउटपुट किसका है। अगर आप एंड का आउटपुट देखते हो तो एंड का आउटपुट क्या होता है, नॉर का आउटपुट क्या होता है, वैसे नॉर का आउटपुट होता है कुछ 1000 है ना, इस तरह से होता है, और एंड का आउटपुट होता है 0001 होता है ना, एंड का आउटपुट। और के लिए क्या होता है, और के लिए होता है 0111, ठीक है। नॉर का इसका ऑपोजिट 1000, ये हो जाएगा नॉर, ये है और, ये है एंड, और लास्ट में है नैंड। तो नैंड के अंदर में कैसा होता है, देखो नैंड में होता है एंड का बिल्कुल ऑपोजिट, 111 और 0, ये वाला। तो हमारा गेट कौन सा है, नैंड गेट, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि गेट्स कौन से हैं आपके। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स आउटपुट वाई कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए एंड बी, ए और बी का इनपुट के तौर पे आपको वाई की इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिख पाओगे। तो देखो इक्वेशन ए से बी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, ए डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूँ, रुको जरा। देखो अब यहाँ पे ए दिख रहा है, ये बी है, यहाँ क्या पहुँच रहा है, ए, यहाँ पे क्या पहुँच रहा है, बी का इन्वर्जन बी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एंड गेट है, एंड ऑपरेशन होने वाला, ये भी एंड गेट है, ये भी एंड होने वाला, और ये और गेट है, ठीक है। तो यहाँ से एंड पे क्या मिलेगा, एंड पर आपको मिलेगा ए डॉट बी बार, इधर क्या मिलने वाला है, इधर देखो ए का इन्वर्जन पहुँच रहा है और बी डायरेक्ट पहुँच रहा है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ए बार डॉट बी, ठीक है ऐसे मिलेगा। और कर दो उनका, तो वाई की अपनी इक्वेशन बनने वाली है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है ये वाली अपनी इक्वेशन होने वाली है। तो क्या ये इक्वेशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑप्शन कौन सा वाला जमेगा, ए बी बार प्लस ए बार बी सेकंड, ठीक है नीट 2018 का क्वेश्चन। अब पूछा है कि द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है किसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले पहले कौन सा गेट है, ये नॉर, नॉर के बाद ये कौन है, नॉट, फिर ये कौन है, ये एक और नॉट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये नॉर गेट ही रहने वाला है ना, नॉर प्लस नॉट प्लस नॉट, नॉट प्लस नॉट क्या होता है, नो नॉट, यानी कि नॉट ने नॉट को काट देना, एक्चुअली ये इन्वर्जन करेगा, इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको ये एक बार इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट को ये फिर से अगर इसने आउटपुट 1 दिया तो ये क्या कर देता है उसको 0, फिर इन्हें क्या कर देता है 1 कर देता, मतलब आपको आउटपुट जैसे वैसे मिल रहा है ना, बस यही केस होता है, जैसे वैसे आउटपुट मिल रहा है तो ये नॉर का आउटपुट ही होता है, ठीक है। आपको जो बाहर मिलेगा वो नॉर का आउटपुट ही रहेगा, नॉर गेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल थ्री इनपुट ए बी सी आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। पहले सबको क्या रखना है, देखो ए बी सी सबको 0 0 रखना है। अब मैं आपको ये बिना जो है तो टेबल बनाए के आपको इसका आउटपुट दे सकता हूँ, देखो जरा हम क्या कर सकते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए, लो यहीं देख लेते हैं, बहुत आसान होता है इसका आउटपुट। ए बी सी पहले 0 थे देन 1 करें, इसकी वैल्यू पहले 0 थी। अगर ये 0 0 है तो देखो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0, 0 0 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड 0 पहुँचेगा, क्योंकि एंड लॉजिक है, एंड लॉजिक मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन पहुँच रहा है, यहाँ 0 पहुँच गया और ये यहाँ से 0 आ गया। 0 और 0 का एंड कितना होता है, पहले बोलो ये नैंड है ना, उसका एंड क्या होता है, 0 0 × 0 × 0 = 0, उसका नैंड करो आउटपुट 1, ठीक है आउटपुट 1 आया। उसके बाद दूसरी बार हमने इसको 1 किया, इसको 1 किया, इसको भी 1 किया और इसको भी 1 किया, ये 1 1 का क्या मिला, 1, ये 1 पहुंचा यहाँ, 1 और 1 का एंड होता है 1, उसका नैंड होता है 0, तो आंसर है 1 0, ठीक है ये आंसर है उसका। बस इतनी नहीं, आसानी से रन हो जाता है, इसके लिए बहुत सारे बुक्स में जो है तो इसकी इक्वेशन बनाई जाती है, और इक्वेशन बनाने के लिए उसको दिया जाता है कुछ ऐसा, ऐसी इक्वेशन बनाई जाती है उसकी कुछ, तो कि y इज इक्वल टू ए बी, ए बी जो है ना ये वाला a इंटू बी हो रहा है ना, पहले ए बी और ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका हो रहा, c का, ठीक है डॉट प्रोडक्ट c का हो रहा है, और वो सब के सब मिलकर क्या हो जा रहे, ऐसे बन जा रहे, ठीक है इस तरह का है वो, ये ए बी इंटू सी पूरा बार, तो ये हो जाता है ए बी सी होल बार, ऐसा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले 0 दिया था,
बाद में वन दिया, आउटपुट क्या मिला, पहले वन बाद में जीरो, ये पूरा के पूरा गेम नॉट के इक्विवेलेंट है, ये पूरा के पूरा सर्किट नॉट के इक्विवेलेंट है, समझे बात को। देखो टू गेट आउटपुट वन फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज, इनपुट की यहाँ पे चॉइसेस दी हुई है नीचे, ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए इनपुट के, और हमको बोला है कि आउटपुट वन कब मिल सकता है, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन दिख रहा है, 16 12 10 है ना, जेई मेंस में दो बार और नीट में एक बार, चिल्ला क्वेश्चन। देखो जरा ये है और गेट, ये है एंड गेट। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसी बनती है, इक्वेशन बनती है इसकी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होने वाला है ए प्लस बी का एडिशन ना, ए प्लस बी हो गया, और ए प्लस बी गया है मल्टीप्लाई होने के लिए सी के साथ, ये है आपका सर्किट, ये है आपका इक्वेशन। अब ये इक्वेशन के अंदर में अगर आप जो है बुलियन अलजेब्रा याद रखते हो, अगर किसी भी चीज़ को आपने वन से अगर मल्टीप्लाई किया वन से अगर आपने, तो इधर जो है इधर ये ब्रैकेट आपको वन चाहिए तभी वो आउटपुट वन देता है, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट वन देने के लिए क्या चाहिए, या तो ए और बी दोनों भी वन होना, या दोनों में से कोई एक वन होना, तो ए और बी दोनों में से कोई एक वन, पहले सी को वन कर लेते, तो सी का वन का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी यही करेक्ट है अपना, क्योंकि अगर सी की वैल्यू देखो ये इक्वेशन पहचान लेते अपन, देखो सी की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो मल्टीप्लीकेशन तो सभी जीरो होने वाले ना, फिर तो जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन तो सभी जीरो हो जाएंगे, तो कोई भी इनपुट नहीं चलने वाला, सी की वैल्यू वन वाला एक ही ऑप्शन है, तो पहले टिक कर देने का उसको, ए और बी को चेक भी नहीं करने का, लेकिन ए और बी को चेक करना पड़ा अगर, तो उसमें से दोनों भी जीरो नहीं चाहिए, बस दोनों में कोई एक तो भी वन चाहिए, तो ऑब्वियसली ये वन है ना, तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, वन इंटू वन इज वन, आंसर मिल गया। ऐसा अगर नहीं करना है तो जरा एक और पॉइंट है इसका, इसको आप आगे से पीछे की तरफ में रिवर्स ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, आपको आउटपुट वन लाना है, ला लो ये लो, ये ला लिया अपने आउटपुट वन, इसमें एंड गेट में आउटपुट वन का बात है, जब ये वाला भी वन हो और जब ये वाला भी वन हो, ये वन कब आ सकता है, जब ये दोनों में से कोई एक की वैल्यू वन होती है, तो सी की वैल्यू वन होनी चाहिए, तो सी की वैल्यू वन देख लिया अपन ने, हाँ अगर ऐसा भी होता कि यहाँ पर भी अगर जो है तो कोई तो भी वन दिया होता तो ये भी आंसर करेक्ट होता था, डी वाला, ठीक है, ऐसा था, तो यहाँ पे कहीं तो भी एक जगह पे वन अगर दिया होता तो फिर हम देखते थे, तो सी की वैल्यू वन पहले, और उसके बाद में फिर ए और बी में से कोई एक भी अगर वन होता तो हमको आउटपुट वन मिल जाता था, बस इस तरह से आप रिवर्स ऑर्डर में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बोलो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 2013 नीट, आसान क्वेश्चन एकदम, ये कौन है, नंदू गेट, ये कौन है, नॉट गेट, एक नंदू गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया तो ये क्या बन जाता, अंदो गेट बन जाता है ना, एंड गेट बन जाता है, तो ये हो गया आपका नैंड प्लस नॉट इज इक्वल टू एंड, खत्म। कौन सा होगा, ए, ए। अब क्या दिया, देखो द फिगर शो द लॉजिक सर्किट विद टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट सी, द वोल्टेज वे फॉर्म अक्रॉस ए बी एंड सी आर गिवन, द लॉजिक सर्किट गेट इज, ये लॉजिक सर्किट पहचानना है बस, लो पहचानते कैसे पहचानेंगे, इसको नाम देना शुरू करते हैं सबसे पहले, क्या हो जाएगा, ये होता है जीरो, ये होता है जीरो तो ये भी जीरो, ये होता है वन और ये जीरो तो मिला वन, ये जब होता है वन, ये होता है वन तो ये भी वन, ये होता है आपका जीरो, ये होता है वन तो ये भी वन मिला, फिर जीरो जीरो फिर जीरो मिला, है ना, फिर से ये साइकिल दोबारा शुरू हो रही है, साइकिल इसके आगे रिपीट हो रही है बार बार, इसके आगे रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा जीरो और ये हो रहा है वन, ठीक है, इस तरह से, तो ये वाली क्वेश्चन को देखकर पहचान हो जा रहा, टेबल को अगर लिखा हमने तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट की वे फॉर्म लिखो, आउटपुट इज इक्वल टू, अच्छा आउटपुट से पहले हम इनपुट भी लिख सकते हैं वैसे तो, कैसे लिखेंगे, ए बी सी, है ना, ए की वैल्यू क्या है, पहले ये दोनों जीरो जीरो है, यहाँ लिखते हैं ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, अच्छा उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, वन, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, उसके बाद में दोनों की वैल्यू वन वन, और उसके बाद में ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन, ठीक है, और हमारा जो सी है, सी के बारे में लिखो सबसे पहले क्या है, वो जीरो पे जीरो है, उसके बाद क्या है, ट्रिपल वन है, ठीक है, ये ट्रिपल वन है, ये कौन सा गेट दिखाया जा रहा है, देखो जब जीरो जीरो हुआ तभी वो जीरो होता है, बाकी किसी भी कंडीशन में, डबल वन की कंडीशन में भी वन है वो, जीरो वन की और वन जीरो कंडीशन में वन है वो, ये कौन सा दिख रहा है, और गेट दिख रहा है, समझे, ये और गेट है, और गेट का ये इनपुट जो ना है, ये और गेट बता रहे हैं हमको, ये लॉजिक और गेट का चल रहा है, लॉजिक लिख के देखने का, नहीं तो क्या हो रहा है बोल के, तो एंड हो रहा होगा, सॉरी और ही हो रहा होगा, एडिशन है दोनों का, एडिशन है यहाँ पर, अब ये गेट पहचानना है, चलो इसको पहचानते हैं कैसे, यहाँ पे बता रहे हैं वन, यहाँ बता रहे हैं वन, यहाँ पे बता रहे हैं जीरो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो इसी वैल्यू जीरो, इसी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू वन है, ये जीरो है, ये वन है, तो ये वन है, ये वन है और ये जीरो है तो भी ये वन है, फिर ये वाला हो गया आपके पास में वन, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो ये हो गया जीरो, ओहो अलग ही चल रहा है ये केस, है ना, तो चलो लिख के देखते हैं इसका टेबल, और यहाँ पे लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका जीरो वैल्यू है, इसका भी वैल्यू जीरो है, तो इसका वैल्यू वन है, ठीक है, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू वन है, तो इसका वैल्यू वन है, टेबल लिखते हैं, ए बी सी, सी हमारा आउटपुट, ए की वैल्यू कितनी है, डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो डबल वन, है ना, फिर उसके बाद डबल जीरो, फिर से रिपीट साइकिल है, बी को देखो तो बी को देखेंगे जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन, ये तो बिल्कुल सही है ना अभी तक, जैसे ही अच्छा हमारा वाई आउटपुट देखो, आउटपुट कैसा है, ट्रिपल वन जीरो, ट्रिपल वन जीरो, कौन सा गेट लग रहा है, जब ये वन वन का मल्टीप्लीकेशन होकर वन बनता है तो उसको ये जीरो कर देता है ना, तो ये नैंड गेट दिख रहा है आपने, दिस इज नैंड गेट, समझे, ये नैंड गेट होगा, याद रखो इसको, नैंड गेट ही होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, चेक करो, चलो इसको पहचानते हैं, इसमें से ये कौन सा गेट बनाता है, ये लॉजिक गेट है आपका, लॉजिक सर्किट का नाम अपने को देना है बस, यहाँ पे क्या है देखो,
वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कौन है, ये वन, ये कौन है वन, ये कौन है वन, ये कौन है ज़ीरो, ये वन और ये वन, सॉरी ज़ीरो, ये कौन है वन, ये कौन है ज़ीरो। आपको जब ज़ीरो में देख रहा हूँ ना तो मैं एक्चुअली इतना देखता हूँ, मुझे इतना देखना होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है फिर, तो ये कैसे लिखते हैं, तो आ जाना चाहिए तब तक। इसको वन बोला, इसको जीरो बोला, इसको क्या बोलूँगा, जीरो बोलूँगा मैं, एक एक इतना इतना टाइम लेने का। जो पिछले वाले क्वेश्चन थे हमने बहुत बढ़िया थे, ये वाला देखो क्वेश्चन एकदम, ये आपको ये डॉटेड लाइन बता रहे हो, आपको इसी बीच में के वैल्यूज पहचान नहीं बता रहे हो, टी वन से टी टू तक, टी टू से टी थ्री तक, टी थ्री तक यहाँ तक पहचान बोल रहा हो, तो फिर इसको ये जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अरे वाह, फिर ये वापस साइकिल शुरू हो गया, लग रहा है क्या, नहीं शुरू नहीं होगी साइकिल, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ये हो गया वन। चलो इक्वेशन बनाते हैं, ए बी वाई, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है वन जीरो वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो वन, उसके आगे जाने दो, चार ले लिए तो मालूम पड़ जाता, बी ले लिए तो डबल वन डबल जीरो, डबल वन डबल जीरो, वाह जी वाह, ये तो ए के जैसा खेल रहा है पहले जैसा। और जो सी है हमारा वो है वन ट्रिपल जीरो, वन ट्रिपल जीरो, वन ट्रिपल जीरो किसके केस में हो सकता है, नॉर के केस में हो सकता है कि नहीं, क्योंकि और में ये जीरो होता है, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, टेबल की सीक्वेंस उल्टी है ना, अरे बेटा ऐसा धोखा खाते इसके अंदर, टेबल की सीक्वेंस उल्टी है, तो टेबल की सीक्वेंस अगर उल्टी है तो फिर क्या सोचना पड़ेगा, जब डबल वन है तभी आउटपुट मिल रहा, बाकी किसी केस में आउटपुट नहीं मिल रहा, ये एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है, तो यहाँ पे बोला जाएगा एंड गेट इज़ द आंसर, ध्यान रखना पड़ेगा इसका। पिछले केस में अपन ने सही लिख के देना, हाँ पिछले केस में क्योंकि सीक्वेंस देखो कैसी थी, डबल वन नीचे आया था है ना, ऐसा था, और इस केस में देखो यहाँ पे आपको सीक्वेंस ये देखना पड़ेगा, डबल वन जो है, डबल वन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो हमको वन दे सकता है ना, बाकी और कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये सीक्वेंस उसने उल्टा दिया है पूरा इनपुट का, लेकिन हमारा सर्किट जो है वो एंड ही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ वन, आउटपुट वन किसका आने वाला है, देखो जरा ये जीरो और ये वन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, जीरो, और उसका अगर आंसर देखे तो कितना निकल रहा, वन, इसका जीरो और ये जीरो दोनों का और करे तो कितना होता, वन, जीरो और ये वन इसका और करे तो कितना होता, वन, उसका इन्वर्ट करो जीरो, तो आंसर कितना है जीरो, ये नॉर है, नॉर गेट है, ये नैंड गेट है, नैंड गेट में वन वन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा वन और वन का इन्वर्जन जीरो, और ये वाला देखेंगे ये एक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर गेट है ये, ओहो एक्सनॉर गेट है, इसके अंदर में जीरो जीरो है पहले, तो जीरो जीरो का अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर वैल्यू निकलना चाहते हैं जीरो प्लस जीरो जो जीरो, उसका इन्वर्जन कितना वन, और वन का ये एक्सक्लूसिव पार्ट जीरो बनाता है इसको, एक्सक्लूसिव नॉर, देखो ये था हमारा एक्सनॉर गेट है ना, एक्सनॉर गेट था कहाँ इसका नाम, हाँ ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट, इसमें क्या रहता है, देखो एक्सक्लूसिव ऑर गेट के अंदर हमने ये देखा था कि जब दोनों सिमिलर इनपुट मिलते हैं तो जब जीरो आता है ना, जब सिमिलर इनपुट आते हैं तब हमारा आंसर जो है वो आउटपुट जीरो आता है, और एक्सनॉर गेट ये क्या करता है, एक्सनॉर गेट का आउटपुट है आपका जीरो वन वन जीरो, तो एक्सनॉर क्या करेगा, एक्सनॉर, एक्सनॉर क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करेगा वन जीरो जीरो वन, ठीक है, तो ये जब डबल जीरो आएगा, ये देखो ये डबल जीरो आता है तो इसको क्या बनाता है, वन बनाता है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारा वैल्यू देता है, सॉरी सॉरी, ये वैल्यू देता है एक्सनॉर की, ठीक है, तो एक्सनॉर हमारा जो है अभी जो क्वेश्चन था हमारा वो एक्सनॉर वाला है, ये एक्सनॉर है, एक्सनॉर, ये है नैंड, ये है नॉर, और ये कौन है, ये भी नैंड गेट है, इसका आउटपुट वन मिल रहा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक वाला हमको कितना वाला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन गेट इज इक्विवेलेंट, ये गेट कौन सा इक्विवेलेंट है, वाई की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, देखो जरा इसकी इक्वेशन को ऐसे चेक कर सकते हैं समझो, कि अगर हमने वैल्यूज रख ली ए बी और वाई की, ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ठीक है, जब ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो है, देखो ये भी ज़ीरो है और ये बी भी ज़ीरो है, तो क्या होगा, अगर बी यहाँ डायरेक्ट चला गया तो जीरो मिल गया, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मिल गया जीरो, और इधर से ये देखो जीरो नीचे जा रहा है इधर, ये वन इसको जीरो इसको आ रहा है इधर, तो जीरो और जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है, उसका इन्वर्ट कर दिया तो वन हो गया, नैंड गेट है ना वन हो गया, तो ये वन आ गया यहाँ पे, और वन जीरो का आउटपुट जीरो होता है, ठीक है, ऐसे हो गया, तो पहला केस तो समझ गए, पहला केस हुआ, दूसरा, दूसरे केस में क्या करेंगे, जीरो और वन रखना है, तो इसको जीरो करना है, इसको वन करना है, तो ये यहाँ पहुँचा जीरो, यहाँ पे पहुँचा वन, तो जीरो वन का आउटपुट वन निकला, ये जीरो यहाँ पहुँचा और ये वन यहाँ पहुँचा, जीरो वन का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा जीरो और उसका इन्वर्जन आता है वन, तो ये पहुँचा वन, वन वन का एंड करेंगे तो आंसर आएगा वन, आंसर आएगा वन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब तीसरा केस बिल्कुल इसका रिवर्स है, तो उसका भी आंसर वन ही आने वाला है, क्योंकि सिर्फ ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, तो फर्क क्या पड़ेगा, वन ही आएगा आंसर, और अगर दोनों को वन कर दिया जाए तो ये जो जीरो वाला है हमारा, इसको भी अगर वन कर दिया जाए तो वन वन का आउटपुट वन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वन, वन और वन का मल्टीप्लिकेशन वन होता है, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो, एंड जीरो कर देंगे ना उसको, ये आ जाएगा जीरो, तो ये आंसर आ गया जीरो, मतलब ये जब दोनों सेम थे तो ये जीरो आया, जब ये दोनों सिमिलर है तो ये भी जीरो आया, तो ये वाला गेट का कौन सा बन रहा है हमारा, एक्सॉर गेट बन रहा है ना, ये एक्सॉर गेट है हमारा। चलो नेक्स्ट इज के फिगर गिवन अ लॉजिक सिस्टम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द ट्रुथ टेबल इट कैन बी फाउंड दैट
टू प्रोड्यूस हाई आउटपुट आर मस्ट हैव, यानी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर हमारे को, वी मस्ट हैव इनपुट, इनपुट क्या होगा एक्स और वाई का, एक्स और वाई का इनपुट क्या होगा सो दैट हम यहाँ पर वन प्रोड्यूस कर सके। तो इसको वन प्रोड्यूस करना है ना, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको उल्टा आते हैं। देखो यहाँ पे वन पहले ला लो, यहाँ पे वन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, और गेट के अंदर में दोनों भी जीरो होना चाहिए, है ना, और गेट में दोनों भी जीरो चाहिए। अगर और गेट में होता है दोनों जीरो, तो जीरो प्लस जीरो दोस्तों जीरो, और उसका इन्वर्जन होता है वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जीरो लाने का है, यहाँ जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और में जीरो लाने के लिए यहाँ भी जीरो होना चाहिए और यहाँ भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि और में जीरो उसी वक्त आता है। ये और गेट है, पहले गेटों के नाम लिख लो, नहीं मालूम तो और नैंड, ठीक, और ये कौन है नॉर, और ये नॉट नॉट दोनों भी। तब क्या होगा, वैल्यू लगाओ, अगर यहाँ पे आपको लाना है जीरो तो और के अंदर में दोनों भी जीरो होने चाहिए। अगर ये जीरो है तो ये पीछे कौन हुआ होगा, ये वन रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा वन, तो और ये जीरो रहा होगा ऐसा है। तो ये वन देखो अभी यहाँ जा रहा है, ये वन आया यहाँ पर, यहाँ पे आ गया जीरो, ये जीरो यहाँ का होगा वन, वन वन का मल्टीप्लीकेशन वन होता है और वन का इन्वर्ट जीरो होता है, तो आंसर जीरो आया यहाँ पे, बराबर आया कि नहीं जीरो, तो ये जीरो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और ये जीरो जीरो का और कर दिया तो यहाँ पे क्या पहुँचा, जीरो 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 एडिशन कितना होता है जीरो होता है, इन्वर्जन करो उसका वन होता है, तो आंसर है वन और जीरो, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू जीरो, आंसर है सी, ठीक है, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू जीरो, ये वाला है सर के लिए। अब बोला है इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई पहचाननी है, बहुत ही बढ़िया सर्किट दिया है, अब मजा आएगा देखो जरा। इसका इनपुट अपने को दे दिया जीरो, तो ये जीरो यहाँ आया, ठीक है, और अब ये जीरो दूसरा यहाँ पे तो जीरो दे दिया, यहाँ पे क्या है यहाँ नहीं पता, तो इसके लिए जाओ इसका इनपुट देखो, इसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, अगर वैल्यू का नाम देना है तो नाम दे सकते हो, सबसे पहले फिर नीचे से शुरू करना पड़ेगा अपने को, ये वन आया, वन का नॉट होकर यहाँ क्या मिलेगा जीरो, है ना, ये जीरो मिलकर ये जीरो और ये भी जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो अगर दोनों मिल रहे हैं तो जीरो इंटू जीरो इसको क्या होता है जीरो होता है, उसका इन्वर्जन क्या होता है वन होता है, तो ये नॉट गेट ही चाहिए नैंड की शक्ल में, नैंड की शक्ल में ये नॉट ही है, और ये तो समोसे के वाले ये नॉट है, ठीक है, ये टिकिया वाला नॉट है और ये समोसे वाले नॉट है, दोनों समझ लो बस ऐसा ही है। तो ये हो गया आपका जीरो जीरो का इधर वन, ठीक है ना, जीरो इंटू जीरो जीरो, इन्वर्जन क्या वन आया, ये वन इधर से घूम के जा रहा है, देखो ये गया ये गया ये इधर आया और यहाँ पे वन दिया उसने, ये आउटपुट इसका जी थ्री का आउटपुट यहाँ आ रहा है, ये जो आउटपुट है ना जी थ्री का है ये, तो जी थ्री का आउटपुट आपको वन मिला, जीरो और वन का मल्टीप्लीकेशन होता है जीरो, उसका इन्वर्जन करो वन, ये मिल गया वन जी वन का। अब ये वैल्यू जी वन की यहाँ पे आ रही है ना, सही लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू जी वन की यहाँ आ गई, तो ये वैल्यू कितनी होगी वन, यहाँ से इधर से नीचे से क्या आया था वन आया था, तो वन इंटू वन इज वन, इन्वर्जन करो जीरो, और वो जीरो आपका आउटपुट है,